अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। सो आज कुछ नया लेके आया हूँ और एक और प्लेलिस्ट आपसे स्टार्ट होगी जो कि होम वर्कआउट या खाली वर्कआउट के नाम से। सो भाई आज मैं अपने इंस्टीट्यूट में नहीं गया ट्रेनिंग करने या करवाने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ नया हो जाए और कुछ घर के अंदर ही कुछ बना लिया जाए। तो आज वर्कआउट करूंगा मैं घर में, जिसमें मैं पार्कोर के कुछ वर्कआउट करूंगा जो कि लोअर बॉडी के होंगे और कुछ अपर बॉडी के वर्कआउट होंगे जो कि पुशअप चिनअप्स और दूसरी कुछ एक्सरसाइज और एब्स की। तो भूलने नहीं कि मैं थोड़ा मोटा हो गया, फैटी हो गया, मुझे एब्स को बनाना है और एब्स तो हैं ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा कोर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो अब आपको मैं अपना प्रॉपर वर्कआउट फास्ट वीडियो के साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। सो गाइस थोड़े बहुत वार्म अप से स्टार्ट करते हैं और वार्म अप के लिए मैं ये रेजिस्टेंस बैंड लेके आया हूँ, तो इससे थोड़ा बहुत वार्म अप करते हैं ताकि अब वो प्रॉपर वार्म अप यहाँ हो नहीं सकता, तो कुछ भी जो वार्म अप जैसा हो। सो गाइस वार्म अप कंप्लीट हो गया, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ सिंपल से एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम इस रेजिस्टेंस बैंड को भी यूज़ करेंगे मैक्सिमम, और कुछ जंप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम जंप लेंगे, डबल जंप कहते हैं इसको। मैं इस बेड के ऊपर चढ़ूंगा, बेड से मैं नीचे को ड्रॉप करूंगा अपनी बॉडी को और ड्रॉप करते साथ फुल अप जंप लूंगा। सबसे पहले लेग की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। सो गाइस जो पहले एक्सरसाइज मैं करने लगा हूँ इसको आप डबल जंप कह सकते हैं। आपने बस जंप करना है, जंप नीचे ड्रॉप करना है, जैसे ड्रॉप होगा वैसे ही पूरी पावर से ऊपर को जंप लेना है। सो मैं इंशाल्लाह नॉन स्टॉप 20 करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि यार मेरा भी कोई फायदा हो, मैं भी कुछ सिर्फ वीडियो तक के लिए मैं अपनी प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। ओके you make up your mind, 'cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. तो गाइस पहले एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है जिसमें मैंने बोथ लेग डबल जंप्स किए हैं, अब सिंगल लेग डबल जंप्स करूंगा, ठीक है। थोड़ा सांस चढ़ रहा है साथ साथ, तो काइंडली कोऑपरेट कीजिएगा। तो गाइस मैंने शर्ट उतार ली है, मैं अपनी ना वीडियो देख रहा था 3 साल पुराने, तो मैं देख रहा था किस कदर मैं फिट था। अल्हम्दुलिल्लाह फिट अपर बॉडी लोअर बॉडी से मैं उतना ही, लेकिन सर्दियों में ऐसा होता है मेरी थोड़ी फैट हो जाती है और गर्मियों में जो है ना मैं पतला हो जाता हूँ। तो अब मैं अपर बॉडी करने लगूंगा, पुशअप्स वगैरह लगाऊंगा और कुछ वेरिएशन एक्सरसाइज करूंगा, तो उसके बाद मैं एब्स की ट्रेनिंग करूंगा, ठीक है। तो गाइस 12 पुशअप्स मैंने लगाए हैं डायमंड में और ये थे हमारे ट्राइसेप के। बेसिकली मसला ये है कि मेरे मसल बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं पिछले दिनों में, ऐसे थोड़ा मेरे रिस्ट डैमेज है जो मुझे फिटनेस करना ही दे दी, और डायमंड पुशअप में तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है, लेकिन बाकी पुशअप्स में इतना मसला नहीं आता। अब मैं लगाऊंगा
थोड़ा सा वाइड एंगल जो कि नॉर्मल एंगल होता है चेस्ट का या शोल्डर्स का, उसमें लगाता हूँ पुशअप्स, फिर उसके बाद हम थोड़ी चेस्ट की लगाएंगे। ओके इसमें मैं बाइसेप्स लगाऊंगा ज्यादा, ठीक है, नीचे को ये बॉडी के साथ रखूंगा हाथों को, बॉडी के साथ हाथों को रखने से क्या होगा कि वो सही से आपका एंगल पकड़ा जाएगा, अगर आप बॉडी से दूर करते हैं तो गलत एंगल है, एंगल है ही नहीं बॉडी से बातों को दूर करने वाला। इसी में मैं लगाता हूँ वाइड एंगल में, ठीक है, आप लोग कोशिश करें 3-3 सेट लगाएं। ये मैं बेसिकली जो आज की वीडियो ये होम वर्कआउट की है, ठीक है, तो आप होम में कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, और क्योंकि पुशअप्स यहाँ लग सकते हैं, चिन अप्स तो यहाँ लग ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि चिन अप्स के बार वगैरह मिले, तो हमने पुशअप से ही गुजारा करना है। अब तीसरा हमारा है वाइड एंगल का, वाइड एंगल ये होता है, लेकिन कोशिश करें कि वाइड एंगल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वैसे चेस्ट लग जाती है हर पुशअप में। नौ के अपर बॉडी और मेरी लोअर बॉडी स्टेम इतनी डेवलप हुई हुई है कि अगर मैं इनका वर्कआउट ना भी करूं तो मसला नहीं है, लेकिन पेट की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। चले पेट की करने से पहले यहाँ बैठा हूँ ना, तो मेरे जेन में ट्राइसेप आ गई है, एक ट्राइसेप लगा लेते हैं, फिर जो है पेट की तरफ जाते हैं। पता नहीं यार इस टाइम बॉडी बल्की बल्की ही हो रही है, लगता है गर्मियों का इंतजार करना पड़ेगा, ये पसीना ही मुझे दोबारा शेड करेगा। तो अब पेट के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, तो पहले यहाँ पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। Don't come straight from my head to my mind.
सो गाइस आज के लिए इतना वर्कआउट काफ़ी है और आई थिंक सो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से मैंने मिनिमम इक्विपमेंट के साथ होम में घर में वर्कआउट किया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फुल बॉडी वर्कआउट किया, ठीक है। अभी मैंने रेजिस्टेंस बैंड को अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया और शोल्डर की कुछ एक्सरसाइज नहीं की, मतलब ईजी है, इतना वर्कआउट काफ़ी है घर में, ठीक है ना। पसीना आ गया, इतना काफ़ी है, ठीक है। आपकी यानी कि जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं उसकी कैलोरी की वैल्यू अच्छी रहेगी अगर आप सिर्फ इतना वर्कआउट भी घर में कर लेते। सो आपने क्या करना है कि यार वर्कआउट करने के लिए यार कोई इक्विपमेंट, कोई माहौल नहीं चाहिए, आपका माइंड आप से सेट हो, आप बस मोटिवेटेड हो कि यार मैंने करना है, तो आप हर जगह कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो है इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। तब तक के लिए अल्लाह।